नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे कि आगे मार्केट का व्यू क्या होगा, क्या मार्केट क्रैश हो सकता है, क्या मार्केट में एक बड़ी गिरावट आगे आ सकती है, क्योंकि जो हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं वो हमारा नॉर्मल नहीं है। जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के केसेस का काफ़ी बढ़ रहा है और फिर से लॉकडाउन भी लग चुका है। आज फिर से न्यूज़ में है लॉकडाउन की, आगे भी लॉकडाउन जो है पूर्णतः लगने वाला है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, उस पर भी अब रिस्ट्रिक्शन लगेगा। तो अगर सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए जाते हैं फर्स्ट लॉकडाउन की तहत, तो मार्केट में फिर से एक बड़ा गिरावट आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी रैपिडली ये इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियल वे में। तो इस तरह से अगर बढ़ता रहा तो हमारा सिचुएशन जो आगे काफ़ी बदतर हो सकता है। ऐसे भी जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्रैश हो चुका है। हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जितना पेशेंट आ रहा है उतना क्षमता हमारे पास नहीं है। तो इसलिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना मास्क लगा के चलिए और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी बिताइए, यही आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट का। तो पहला तो आपने देख लिया कि जो मार्केट है हमारा, कोरोना वायरस केसेस लगातार इंक्रीज हो रहा है। जो पिछली बार न्यूज़ आया था लॉकडाउन का, तो उस दिन मार्केट में बड़ी गिरावट आया था। देखिए, जब न्यूज़ आया था तो निफ्टी हमारा था 14,833 पर, और यहाँ से 14,833 से गिर करके ये हमारा लो बनाया अपना 14,260 का। और अगर ये 14,240 को नीचे आ जाता है और यहाँ पर ट्रेड करने लगता है, एक दो दिन क्लोजिंग देता है और इसके नीचे ट्रेड करता है 14,240 के, तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। निफ्टी में जो गिरावट यहाँ से हुआ था, अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो निफ्टी है हमारा कमज़ोर यहाँ पर दिख सकता है कि इसमें कमजोरी आ सकती है अगर लॉकडाउन का न्यूज़ इसी तरह बना रहा। जो लॉकडाउन में है, लगातार रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा रहा है, तो सारे रिस्ट्रिक्शन अगर इम्पोज कर दिए जाते हैं तो फिर यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। और वहीं बात करें जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो मार्केट है वो भी पॉजिटिव था। पिछले दिन डाउ जोंस जो है अपना लगातार ऑल टाइम हाई बनाए जा रहा है। अगर डाउ जोंस की बात करें तो यह देखिए ऑल टाइम हाई पे, इसमें कोई भी करेक्शन डाउ जोंस में देखने नहीं मिला है। तो अगर हमारे मार्केट में एक बड़ी गिरावट होती, एक बड़ा करेक्शन होता है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा कि हम बाय ऑन डिप्स करें। क्योंकि ग्लोबल मार्केट जब पॉजिटिव है तो ये जो हमारा गिरावट होगा वो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन होगा, जो कि लॉकडाउन के न्यूज़ कारण या कि हमारा जो सिचुएशन जो बेहतर होते जा रहा है उस सिचुएशन के कारण जो मार्केट में एक करेक्शन देखने मिलेगा। तो ये कोई मार्केट क्रैश नहीं बल्कि एक गिरावट होगा। अगर ये गिरावट काफ़ी बड़ी होती है तो निश्चित है आप गिरावट में बाय करें, बाय ऑन डिप्स करें। तो यहाँ पर देखते हैं अगले दिन जो आने वाला समय है, क्या लॉकडाउन इस तरह बढ़ता है, क्या कोरोना वायरस के केसेस हमारे कंट्रोल से इसी तरह बाहर होते जाता है, तो निश्चित है यहाँ पर गिरावट बड़ी भी हो सकती है। अगर गिरावट काफ़ी बड़ी होती है तो फिर आप यहां पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। तो यहां पर आप पीछे चलते हैं तो डाउ जोंस आपने देखा कि जो लगातार न्यू हाई बनाते रह जाए, एक हिस्ट्री क्रिएट किया है डाउ जोंस ने, ऑल टाइम हाई बनाया है अपने लाइफ टाइम का। वहीं और सारे जो इंडेक्स है, अगर हम नीचे चलते हैं तो देखिए ब्राज़ील पुष्पा, ये भी मतलब पॉजिटिव देखने मिला है पिछले दिन। तो निश्चित है कि हमारा मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ओपन हो सकता है, लेकिन इसका कोई संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं कर सकते। और अगर लॉकडाउन का न्यूज़ पूरी तरह से क्लियर होता है कि सारे रिस्ट्रिक्शन इम्प्रूव जाएंगे, तो फिर एक बड़ी गिरावट भी देखने मिल सकती है। तो जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो कह रहा है कि हमारा मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, ऊपर ओपन होना चाहिए। वहीं जो हमारी न्यूज़ है लॉकडाउन का, जिसमें लगातार रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले लॉकडाउन में देखा था, तो फिर यहाँ लॉकडाउन के न्यूज़ के चलते मार्केट आपको एक बड़ा करेक्शन भी दिखा सकता है। वहीं बात करें डेक्स का, तो डेक्स यहाँ देखिए 1.34% अप है, डेक्स जर्मनी का है। वहीं FTSE देखिए इंग्लैंड का, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का ये भी अप है 0.52%, और फ्रांस का CAC 40, ये देखिए ये भी 0.85% अप है। तो जो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उसी तरह से आप नीचे चलते हैं तो देखिए MOEX ये भी अप है 0.84% से। तो सारे के सारे जो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं निक्की देखिए जापान का, ये भी 0.14% से अप है।
उस तरह से चाइना का मार्केट देखिएगा, चाइना मार्केट तो लगातार देख सकते हैं सारे के सारे जो चाइना के इंडेक्स है वो पॉजिटिव है। देखिए शंघाई 0.81%, वहाँ पर डीजे शंघाई देखिए 0.72%, तो चाइना के मार्केट भी पॉजिटिव देखने आपको मिल रहे हैं, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है। तो सारे ग्लोबल मार्केट देखिएगा यहाँ सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा लॉकडाउन का न्यूज है लगातार रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा रहे हैं इसके कारण एक गिरावट हो सकती है। तो ये जो गिरावट होगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा बाय ऑन डिप्स करने का। यहाँ पर निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट लेवल है, जो सबसे मेजर अभी सपोर्ट है वो है 14,240। तो यहाँ पर अगर 14,240 पे सपोर्ट लेता है, और अगर इस सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक फिर से देखने मिलेगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके मतलब नीचे क्लोजिंग करता है और नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको एक बड़ा करेक्शन यहाँ से देखने मिल सकता है, क्योंकि जो अगला सपोर्ट लेवल है, जो अगला मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 13,610। 13,610 ये जो हमारा मतलब सीधा कहें कि 13,600 जो है एक मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ पर 14,240 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर उसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। तो पहला हम सपोर्ट का इसी को ब्रेक करने का इंतज़ार करेंगे अगर मार्केट में गिरावट आती है 14,240 का। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक करता है, देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर एक दिन ये इसके गैप अप ओपन हुआ लेकिन यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया, लगातार इसमें गिरावट देखने मिला। तो अगर ये ट्रेंड लाइन जो है, अगर इस ट्रेंड लाइन को डेली चार्ट पर ब्रेक करता है निफ्टी और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो निश्चित है आपको यहाँ से फिर ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने मिल सकता है। इसका ऑल टाइम निफ्टी का हाई जो है वो है 15,440 का, 15,440 इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन है जहां पर रेसिस्टेंस निफ्टी लगातार फेस कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर यहां से आपको जो है यहां तक का लेवल ऊपर देखने मिल सकता है, जो कि अभी संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है काफ़ी बदतर होते जा रहा है। जो कोरोना वायरस केसेस है लगातार बढ़ रहा है, लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, जिससे कई सारे जो डेली वेज वर्कर है, जो डेली अर्निंग करके जो कमाते खाते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, काफ़ी सारे जॉब जा चुके हैं। तो ये सारे सिचुएशन है जो कि काफ़ी बदतर है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आगे मार्केट का जो सेंटिमेंट है किस तरह का हो सकता है। तो निश्चित है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।